देसिया और आप देख रहे हैं KKNews 24। आंगन की किलकारी और परिवार की शान बनाने वाली बेटियों को जन्म देने वाली माता को बधाई पत्र देकर भाजपा नेता ने किया सम्मानित। खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण के मझौलिया से है, जहां पर भ्रूण हत्या को खत्म करने तथा सृष्टि के आधार को बचाने के लिए बेटियों को जन्म देने वाली माताओं को बधाई पत्र, मिठाइयाँ और उपहार देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि अपने सामाजिक क्रियाकलापों से समाज को नई दिशा एवं उत्थान करने वाले भाजपा नेता राजकिशोर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन जन तक पहुंचाकर सफल बनाने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चनपटिया में लड़कियों को जन्म देने वाली माताओं को सम्मानित किया। वही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार एवं प्रदेश के नेता राजकिशोर प्रसाद के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त बधाई पत्र को पाकर बालिकाओं को जन्म देने वाले माता पिता अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे थे। भाजपा नेता की इस पहल का चारों तरफ प्रशंसकीय दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, क्योंकि इस आधुनिक युग में भी भ्रूण हत्या का दौर जारी है तथा लड़कियों को आज भी लड़कों से ज्यादा तहजीब दी जाती है। बच्चों को जन्म देने वाली माताओं में माला देवी, मीना देवी आदि ने भाव विवल होकर कहा कि अब बेटियां अभिशाप नहीं रही। प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एवं भाजपा नेता के प्रोत्साहन और बधाई से हम लोगों को काफी बल मिला है। अब समाज हमारी उपेक्षा नहीं कर सकता। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। आपके द्वारा किस तरह से पहल किया गया? सृष्टि की उत्पत्ति को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाने के लिए भ्रूण हत्या हमारे यहाँ नहीं हो, उसको रोकने के लिए बेटियों के माताओं को मैं उपहार देकर, मिठाइयाँ खिला करके और बधाई पत्र दे करके सम्मानित किया, ताकि हमारा देश बढ़ता रहे, सृष्टि और सुंदर हो और भ्रूण हत्या नहीं हो। क्या नाम है आपका? राजकिशोर प्रसाद।